नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चारक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प और दोस्तों बात करूंगा मैं आज टेक महिंद्रा के बारे में। तीनों के क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं तो मैं आपको वो दिखाऊंगा ज़रूर, पर उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 में आज भी गिरावट देखी गई है, भारी गिरावट है, लगभग 0.93% डाउन है, 103.80 डाउन है, काफ़ी गिरावट देखी गई है। पाँच दिन की बात करूँ दोस्तों तो उसमें भी काफ़ी गिरावट है, 11,329.80 पे था 24 जुलाई को, उसके बाद देख सकते हो दोस्तों आज कितने पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद बात करूंगा एक मंथ की तो दोस्तों 11,865.60 है, उसके बाद तो ये गिरा ही है, पीछे मुड़ के तो इसने देखा ही नहीं है। उसके बाद एक साल की बात करूं तो दोस्तों एक साल का पूरा नहीं देखूंगा मैं, आप हाई की बात करूंगा जो इसने 3 जून 2019 को बताया था लगभग 12,088.55 का, उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों काफ़ी ऊपर चला गया था, पी रेशो बहुत ज़्यादा 30 के आसपास पहुंच गया था, तो ये काफ़ी चिंता का विषय था, इसको तो नीचे आना ही था। बट दोस्तों और भी नीचे जा सकता है, किसी भी इंसान को पता नहीं हो सकता कि मार्केट बॉटम आउट कहाँ करेगा, और इसने जो सपोर्ट लेवल था 11,100 का वो भी लगभग तोड़ ही दिया, आप देख सकते हो 1100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मैं बात करूंगा आगे आपको क्या करना चाहिए, जितना हो सके अपने पास पैसा बचा के रखिए। और मैंने जब पोर्टफोलियो की रिकमेंडेशन दी थी तो आपको एक बात बोली थी कि अपना पैसा SIP में लगाइएगा, अगर आपके पास 1 लाख है तो उसको बहुत स्लोली से लगाइए, लाइक 10,000 रुपीज़ या 5,000 एक दिन में लगा दिया, 2,000 एक दिन में लगा लिया, अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो 10,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। बट आई थिंक अगर 10,000 भी मेरे नज़रिए में ज़्यादा होगा, बट अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो 10,000 बहुत होता है, आपको स्लोली पैसा लगाना है ताकि आप अगर मार्केट और गिरे और स्टॉक आपका ज़्यादा गिरता तो आप उसको एवरेज आउट कर पाओ। कुछ स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मार्केट की गिरावट की वजह से वो गिरेंगे, और आपके पास अगर पैसा ही नहीं बचेगा वो इतने सस्ते मिलेंगे कि आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो दोस्तों अभी मैं मेन बात कर लेता हूँ, अभी मैं एक्सिस बैंक के बारे में बात कर लेता हूँ। तो चलिए एक्सिस बैंक के नतीजे देखते हैं। तो दोस्तों मैं नतीजे देखने से पहले इसका ट्रेड देखना चाहूँगा। तो दोस्तों प्रीवियस क्लोज देख सकते हो आप 720 का है, ओपनिंग भी देख सकते हो आप, हाई भी देख सकते हो दोस्तों आप, और लो भी देख सकते हो 701 का है लो इसका। तो ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करूं तो दोस्तों आप देख सकते हो 1,41,900 शेयर्स जो ट्रेड हुए हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हुई है। गिरावट देख सकते हो इसमें लगभग -2.48% की गिरावट है, लगभग 18 रुपये आप बोल सकते हो गिरा हुआ है। तो ट्रेडेड परसेंटेज देखूं मैं, डिलीवरेबल परसेंटेज, तो लगभग 40.82% की डिलीवरी उठाई गई है, काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठाई गई है। बट दोस्तों मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इसने जो हाई बनाया था 827.75 का, उसके बाद गिरावट देखी गई है, तो इसलिए स्टॉक हमेशा अच्छे प्राइस पे लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इस स्टॉक को ले सकते हो, क्वार्टर वन के नतीजे अच्छे हैं, पर दोस्तों मैं वही बात बोलूँगा, अगर आपने 10,000 इस स्टॉक में लगाना है तो दोस्तों आपको 1 या 2,000 ही अभी आप में इसने लगाना चाहिए। हालाँकि मैं बोलूँगा जितना कम हो सके आप पेशेंस दिखा सकते हो तो इसको किसी भी स्टॉक को ट्रैक करिए, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लोली इसमें इन्वेस्ट करिए। तो मैं इसके क्वार्टर वन के नतीजे दिखाता हूँ आपको, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं इसके क्वार्टर वन के नतीजों पे आ चुका हूँ, तो मेन हेडलाइंस पढ़ूंगा मैं, बाकी मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप पढ़ लीजिएगा वो। तो दोस्तों देख सकते हो एक्सिस बैंक क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट जंप्स 95% ईयर ऑन ईयर टू ₹1,370 करोड़ बट फेल्स टू मीट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। तो दोस्तों लोगों ने, जो एनालिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन बताया था लगभग 1,850 करोड़ का, और इन्होंने जो बताया 1,370 करोड़ का बताया, काफ़ी अंतर आप देख सकते हो उनके एनालिस्ट के प्रोजेक्शन और इनके जो प्रॉफिट शो किए गए हैं। तो आगे बात करूंगा मैं, देख सकते हो आप एक्सिस बैंक ऑन ट्यूसडे सेड इट्स नेट प्रॉफिट क्लेम्ड 95% ईयर ऑन ईयर टू ₹1,370 करोड़ फॉर द जून क्वार्टर अगेंस्ट ₹701 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बट जो एस्टिमेट किया गया था कि ये इतना परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से अच्छा नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, आप दोस्तों ये पढ़ सकते हो, मेन चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ।
नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द क्वार्टर रोज 13% ईयर ऑन ईयर टू RS 5844 करोड़ फ्रॉम RS 5167 करोड़ इन द कोरोस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर। तो दोस्तों जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें लगभग 13% का जंप देखा गया। ये पहले 5167 करोड़ था, उससे बढ़ के ये 5844 करोड़ हो गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 20 स्टूड एट 3.40%। तो आप देख सकते हो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो लगभग 3.40% पे है। द प्राइवेट बैंक सेड इन BSE फाइलिंग, तो दोस्तों इन्होंने ये BSE फाइलिंग में बताया, नॉट इंटरेस्ट इनकम विच कंप्राइजेस ऑफ फी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड मिसक्लिनियस इनकम जंप 32%। तो दोस्तों जो भी इनकी नॉन इंटरेस्ट इनकम है, ट्रेडिंग प्रॉफिट है, मिसलिनियस इनकम है, उसमें लगभग 32% का जंप देखा गया। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो दोस्तों आप पढ़ सकते हो, आगे देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर टू RS 3869 करोड़ अगेंस्ट RS 2925 करोड़ इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी परफॉर्म की है बैंक ने। फी इनकम रोज 26% ईयर ऑन ईयर टू RS 2663 करोड़। तो दोस्तों जो फी इनकम है लोगों 26% का जंप देखा गया उसमें, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैंक। आप देख सकते हो, आगे देख सकते हो, द की ड्राइवर ऑफ फी इनकम ग्रोथ वाज रिटेल फी विच ग्रू 28% ईयर ऑन ईयर एंड कॉन्स्टिट्यूटेड 62% ऑफ द बैंक टोटल्स इनकम। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म है देख सकते हो आप। द की ड्राइवर ऑफ इनकम ग्रोथ वाज रिटेल फी, तो काफ़ी अच्छी बात है, ये रिटेल फी है जो इन्होंने जिनकी परफॉर्मेंस जिस वजह से बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये 62% है टोटल इनकम का, काफ़ी अच्छा है। कार्ड फी देख सकते हो आप, 28% का जंप है। ट्रांजैक्शन फी में लगभग 7% का जंप है एंड 16% ऑफ द टोटल फी इनकम ऑफ द बैंक, ये लगभग टोटल 16% के, काफ़ी अच्छी परफॉर्म की है। तो दोस्तों आप ये पढ़ सकते हो, जो एसेट क्वालिटी है वो स्टेबल है विद द बैंक ग्रॉस NPA नेट NPA कमिंग एट 5.25% एंड 2.04% रिस्पेक्टिवली अगेंस्ट 5.26% एंड 2.06% रिस्पेक्टिवली एज ऑन मार्च 31। तो दोस्तों ये तो बात होगी एक्सिस बैंक के बारे में, उसके बाद मैं बात करूँगा हीरो मोटो कॉर्प के बारे में, तो चलिए वो भी देखते हैं। तो हीरो मोटो को आप देख सकते हो आप, इसमें कितनी ज़्यादा गिरावट है, लगभग -5.69% का गिरावट है। पर ये पूरे ऑटोमोबाइल की हालत जो है वो बुरी है, किसी एक स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई भी देखोगे स्टॉक, चाहे वो कोई भी है, आइशर मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स है, सभी स्टॉक्स गिरे हुए हैं, कोई भी स्टॉक अप नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद मैं बात करूंगा इसकी ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो लगभग 15,82,385 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके बाद देख सकते हो आप, डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करूं तो लगभग 24% की डिलीवरी उठाई गई है, तो ठीक बोलूंगा मैं, 24% की डिलीवरी ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद इसके क्वार्टर वन के नतीजे देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो मैं इसके क्वार्टर वन के नतीजों पे आ चुका हूँ, तो चलिए देखते हैं। हीरो मोटो कॉर्प क्वार्टर वन प्रॉफिट जंप्स 38% टू RS 1257 करोड़ ऑन वन हाफ एक्सेप्शनल गेन। तो दोस्तों आप देख सकते हो लगभग 38% का जंप देखा गया है, और वो किस कारण से है वो भी मैं आपको नीचे बताऊँगा। जो कारण है वो है वन हाफ एक्सेप्शनल गेन। तो रेवेन्यू की बात करूँ तो उसमें भी गिरावट देखी गई है लाइक अदर्स, तो देख सकते हो आप। हीरो मोटो कॉर्प ऑन ट्यूजडे रिपोर्टेड 38.28% ईयर ऑन ईयर जंप इन नेट प्रॉफिट एट RS 1257 करोड़, बीटिंग ET नाउ पोल एस्टिमेट ऑफ RS 785 करोड़ बाय अ वाइड मार्जिन थैंक्स टू अ वन हाफ एक्सेप्शनल गेन ऑफ RS 737.50 करोड़। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो ET9 ने पोल किया था वो लगभग 785 करोड़ किया था, और इन्होंने जो बताया है वो लगभग 38% का जंप बताया है, और लगभग 1257 करोड़ का प्रॉफिट बताया है नेट प्रॉफिट। तो उसके बाद इनका जो फ़ायदा इतना हुआ है उस किस कारण हुआ, तो वो मैं नीचे पढ़ाता हूँ आपको। तो चलिए आप देख सकते हो, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैड रिपोर्टेड RS 909 करोड़ प्रॉफिट इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर। तो दोस्तों जो लास्ट ईयर क्वार्टर था उसमें लगभग इन्होंने 909 करोड़ का प्रॉफिट बिताया था, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो नीचे देखते हैं,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द क्वार्टर फेल टू ₹8,030 करोड़ कंपेयर्ड विद ₹8,810 करोड़ इन द ईयर अगो क्वार्टर। तो दोस्तों पिछले बार की बात करूँगा तो लोगों को 8,810 था, अभी ये गढ़ के 8,030 करोड़ हो गया, तो काफ़ी गिरावट देखी गई है। इप्टा मार्जिन की बात करूँ तो लगभग एक्सपेंडेड टू 14.4% सिक्वेंटली फ्रॉम 13.6%। तो दोस्तों ये पहले 13.6% था, ये बढ़ के अभी 14.4% हो गया है। तो देख सकते हो जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था वो ये था, द एक्सेप्शनल गेन्स द कंपनी मेड वर ऑन द अकाउंट ऑफ फेवरेबल ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट विच हेल्प द कंपनी रिजर्व प्रोविजन मेड फॉर एक्सेप्शनल आइटम इन द करंट क्वार्टर। तो दोस्तों जो इनको प्रॉफिट हुआ है वो इस कारण हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है, जो इनको ऑर्डर मिला था फेवरेबल ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो आप देख सकते हो, तो उसके बाद मैं आपको पढ़ा देता हूँ छोटा छोटा सा। तो दोस्तों इसके बाद आप बात करूंगा मैं टेक महिंद्रा की, तो इस स्टॉक को आप ले सकते हो, बट दोस्तों अगले क्वार्टर में इसका क्या होगा कोई जानता नहीं है। बट VS6 अगले साल से ऑटोमोबाइल में आ सकती है परफॉर्मेंस, यहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इस साल तो मेरे को कहीं नज़र नहीं आता ऑटोमोबाइल में परफॉर्म करना, कहीं भी उसके कहीं दिखता नहीं है मेरे को। बट अगर आप लॉन्ग टर्म लेना चाहते हो इस स्टॉक को तो आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। बट मैं फिर से बोलूँगा अपना पैसा बचा के रखिए, आहिस्ता से इन्वेस्ट करिएगा किसी स्टॉक में। तो चलिए अभी टेक महिंद्रा की बात करते हैं, अभी बात कर लेते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। तो दोस्तों इसने लो बनाया जो 633.15 का है, हाई इसने बनाया 650.30 का, ओपनिंग होती है इसकी 645 पे। तो दोस्तों इसमें आप गिरावट देख सकते हो, -0.84% का है, लगभग 5.40 रुपये डाउन है। तो ट्रेड वॉल्यूम की बात करूंगा तो 28,82,913 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, काफ़ी अच्छे शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करूंगा दोस्तों तो आप देख सकते हो 59.30%। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने पहले नहीं देखा था बट मेरे को लगता था ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, तो डिलीवरी भी अच्छी उठाई गई है, अभी तक तो काफ़ी पॉजिटिव है। आगे देखते हैं क्वार्टर वन के नतीजे कैसे आते हैं। तो 60% की डिलीवरी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो चलिए इसके क्वार्टर वन के नतीजे देखते हैं, आपको क्वार्टर वन के नतीजे दिखा देता हूँ, फिर आप डेफिनेटली स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं। टेक महिंद्रा पोस्ट 7% ईयर ऑन ईयर राइस इन कंसोलिडेटेड नेट एट ₹959 करोड़। तो दोस्तों आप देख सकते हो लगभग 7% का जंप देखा गया है। तो दोस्तों टेक महिंद्रा ऑन ट्यूजडे रिपोर्टेड 6.8% ईयर ऑन ईयर राइस इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट ₹959 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड June 30। तो दोस्तों इसमें लगभग 6.8% का जंप देखा गया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 59 करोड़ का प्रॉफिट बताया गया है। इट हैड पोस्टेड प्रॉफिट ऑफ ₹897.9 करोड़ ईयर अगो पीरियड। तो दोस्तों ईयर अगो पीरियड में इन्होंने लगभग जो प्रॉफिट बताया था वो लगभग 897.9 करोड़ का बताया था, और सिक्वेंटली जो नंबर्स हैं वो उसमें लगभग 15% का गिरावट देखा गया है। तो आप देख सकते हो इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स रेवेन्यू जो है वो लगभग 3.7% की बढ़त हुई है उसमें। तो आगे देख सकते हो रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर केम इन एट ₹8,653 करोड़, अप 4.6%। और जो इप्टा है उसमें लगभग जो गिरावट है वो लगभग 3.2% की देखी गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूँ, ऑपरेटिंग मार्जिन केम इन एट 15.2%, डाउन 120 बेसिस पॉइंट्स। तो दोस्तों ये भी नोटिस करने वाली बात है, जो बेसिस पॉइंट है उसमें लगभग 120 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करूं, द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी स्लिप 2.69%। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूंगा तो रेवेन्यू जो है उसमें लगभग 2.69% की गिरावट देखी गई है। इट हैड पोस्टेड रेवेन्यू ऑफ ₹8,892.3 करोड़ इन द मार्च क्वार्टर। पिछले क्वार्टर की बात करूं तो उसमें लगभग 8,892.3 करोड़ का रेवेन्यू बताया गया था। तो चलिए नीचे देखते हैं, ये आप पढ़ सकते हो दोस्तों, मैं नीचे पढ़ लेता हूँ। बेसिक अर्निंग शेयर स्टूड एट ₹8.50 अगेंस्ट ₹9.27 इन क्रॉसपॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिस्कल। तो दोस्तों आप EPS की बात करो तो उसमें भी गिरावट देखी गई है, ये पहले 9.27 बताया गया था तो अभी ये आप गिर के देख सकते हो 8.50 हो गया है EPS। तो दोस्तों इन मनोज जो भट्ट हैं चीफ
फाइनेंशियल ऑफिसर टेक महिंद्रा के, उनका क्या कहना है, बिजनेस सीजनैलिटी हैज़ अफेक्टेड रेवेन्यू एंड मार्जिन दिस क्वार्टर, आवर फोकस ऑन ऑटोमेशन एंड एआई विल हेल्प रियलाइज ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एज वी लुक टू एक्सेलरेट ग्रोथ थ्रू द ईयर। तो दोस्तों उनका कहना है जो बिजनेस सीजनैलिटी है उन्होंने जो इफेक्ट किया है इनकी ग्रोथ को इस क्वार्टर में, तो वो ये पूरी तरह फोकस करेंगे ऑन ऑटोमेशन एंड एआई। वो बोल रहे हैं पूरे साल में हम इस बात पे फोकस करेंगे, इस चीज़ पे फोकस करेंगे ताकि हम अपना ग्रोथ बढ़ा सकें। तो आगे बात करूँगा, इन यूएस डॉलर टर्म्स रेवेन्यू ऑफ द कंपनी स्टूड एट 1,247.1 मिलियन, अप 1.9%। तो लगभग 2% का जंप देखा गया इन यूएस डॉलर टर्म्स। तो रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, तो रेवेन्यू ऑफ द कंपनी अगर यूएस डॉलर टर्म्स में देखोगे तो लगभग 2% का जंप देखा गया है। तो आप दोस्तों ये पढ़ सकते हो कि एनालिस्ट का क्या कहना था। तो दोस्तों अभी मैं बात करूंगा कि स्टॉक के बारे में, तो डेफिनेटली मैं आपको फिर से बोलूंगा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले दो बार चार बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि मार्केट इस समय काफ़ी वीक चल रहा है। तो किसी भी इंसान, चाहे वो बड़ा एनालिस्ट हो या छोटा एनालिस्ट हो, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये मार्केट बॉटम आउट कहाँ पे करेगा। तो दोस्तों अपना पैसा सोच समझ के लगाइएगा कि फंस मत जाइएगा, क्योंकि अगर कोई अच्छा कंपनी है, जैसे आप सपोज करिए रिलायंस है, तो रिलायंस अगर गिर के, अगर अभी 1200 कुछ पे चल रहा है, वो गिर के सपोज करिए मान लीजिए वो 500 पे चला जाता है, तो अच्छी बात है अगर चला गया, क्योंकि अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टॉक में एक प्रॉफिटेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो 500 पे चला जाता है। बट आप स्टॉक सपोज करिए आप 1000 पे ले लेते हो उसको, अब लाख रुपए आपके पास, आपने लाख रुपए उस पर लगा दिया, तो आप उसको एवरेज आउट कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास तो पैसा ही नहीं है। तो मार्केट ऐसा ही करता, आपका पैसा खा जाएगा, ज़बरदस्ती खा जाएगा, आपके छीन के खा जाएगा, बट आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसलिए अपना पैसा अभी सोच समझ के लगाइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।